या जनरल व्यास साहब, पंजाब में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। पंजाब में अगर देखिए तो एक नंबर की पार्टी आज की तारीख में आम आदमी पार्टी, दो नंबर कांग्रेस, तीन नंबर अकाली, चार नंबर बीजेपी। तो ये किसी लॉजिक से था ही नहीं कि वन ऑन वन, मतलब आप एक और दो नंबर की पार्टी मिलके चार नंबर की पार्टी से लड़े, ये तो बियॉन्ड एनी लॉजिक है। उसी तरह से मुझे लगता है कि केरल में भी फ्रेंडली फाइट होगी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी, और ठीक भी है, और ये ठीक बात भी है, मतलब बिल्कुल सामने लड़े। आप इस स्पेस को आने वाले समय के लिए भी क्यों उनके लिए खोलिए। जम्मू कश्मीर में वो गुपकर अलायंस इन प्लेस है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर जनरल व्यास आपसे एक चीज और पूछ, दोनों चीजें कर रहा हूं, आपका जनरल वो इंडिया, आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग, आप तो प्रैक्टिसिंग, आप तो मंत्री भी रहे हैं, आप सारी उसकी सारी उसको देखे हैं, मुझे जरा एक आंध्र प्रदेश के बारे में एक मेरा मुझे हरदम ये लगता है कि शर्मिला जी जो थी, जो जगन रेड्डी साहब की बहन है, वो जाके तेलंगाना में अपनी पॉलिटिक्स करने लगी थी। बाहर नैरेटिव ये सेट किया गया है कि उनके और उनके भाई के बीच में काफी खींचतान है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर सही में खींचतान होती तो वो आंध्र में पॉलिटिक्स करती, अपने भाई से आंध्र में लड़ती। मुझे लगता है ये फैमिली सेटलमेंट था कि तुम तेलंगाना चलो, मैं आंध्र देखता हूं। और आज जब शर्मिला जी ने पूरी ईमानदारी से आके अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं जगन रेड्डी वाली वाईएसआर कांग्रेस जो है, उससे भी मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये लगता है कि उससे भी कहीं ना कहीं तार मिल रहे हैं। जनरल साहब, पहली चीज तो इंडिया अलायंस की आज की बैठक, और दूसरा ये जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है, वहां पे भी बीजेपी का कोई स्पेस नहीं है। 0.9% उनको वोट मिले थे पिछले 2019 में, और कांग्रेस को 1.5% मिले थे। तो वहां पे ये पार्टी थर्ड और फोर्थ नंबर की हैं, वहां पे बीजेपी का वैसे भी आंध्र प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं है। डॉक्टर जनरल व्यास, आनंद जी, दो तीन बात से शुरू करना मैं चाहूंगा। एक तो शीतल जी ने जो बात बताई, करीब करीब मैं पूर्णतया सहमत हूं उनसे। नीतीश जी अगर थोड़ा बहुत साथ में रहे होते तो अच्छा था, नहीं रहे हैं तो अब नहीं रहे हैं, ऐसा मान के चले, उसका विवाद ना खड़ा किया जाए। जो भी है उनको साथ में लेके, वो भी एक बड़े नेता है, उनका भी जो भी मार्गदर्शन मिले उसका फायदा लेना चाहिए। ये अपेक्षा हम रखें कि बीजेपी हमारे साथ सहकार करेगी तो मूर्खता है। सबसे बड़ी घटना जो बीजेपी के हाथ से निकल गई है, राम मंदिर है। राम मंदिर में बीजेपी का जो भंडाफाट हुआ, और ये सनातनी लोग जो हैं, उनको शंकराचार्य जी ने जो मार्गदर्शन दिया, हमारे सिद्धपुर में भी ऐसे ही लोग हैं कि वो जिनको राम मंदिर क्या है और राम क्या है मालूम नहीं, मगर मंदिर मंदिर करके कूदते हैं। तो शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन आने के बाद सनातनी लोग जो हैं, उनका तो क्लियर है कि बिना ध्वज, बिना शिखर, बिना ध्वज दंड और पोष के महीने में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो ये जो ये उन्होंने एक बड़ा इवेंट बनाना चाहा था, वो इवेंट में से हवा निकल गई है। जो मूर्ख लोग हैं अभी भी कूटते रहते हैं राम के नाम पे, वो कूटने दो, उनका राम बोलो भाई राम हो जाएगा, उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां अलायंस हुए हैं अच्छे हुए, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है और चेतन रसावा काफी इन्फ्लुएंशियल है, और अगर उसका ठीक से उपयोग किया जाए तो मैं मानता हूं कि दो या तीन सीट निकल सकती है लोकसभा की। तो ये अलायंस गुजरात में फायदे में रहेगा, जो गुजरात में कोई होप नहीं थी। इसको छोड़ के पहली बार शायद बीजेपी के सामने एक से एक जैसे एक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फाइट होगी। आज की स्थिति की बात करते हैं हम, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पहली बार इनको चैलेंज मिलेगी। मेरी जो सिंह साहब, जो मेरी जो शक है, मेरा शक नहीं, मुझे भय है, ये ईवीएम है। ये लोग ईवीएम से गड़बड़ करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है।
तो ये अलायंस ईवीएम से कैसे डील करता है, ये बहुत समझने वाली बात होगी। अगर हम ईवीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं तो मैं आज आपको यहाँ ये टेबल पे बोल सकता हूँ कि 400 सीट से ज्यादा बीजेपी ले जाएगी। ये परिस्थिति ईवीएम के साथ चुनाव लड़ने की है, कोई हल नहीं है उसका। शाम पित्रोड़ा से मेरा टॉक हुआ था अभी 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड पे, उनकी एक एक बात से मैं सहमत हूँ। अलग अलग जगह पे बने हैं, अलग अलग तरीके से बने हैं, सॉफ्टवेयर अलग है, अलग अलग तरीके से हैंडल होते हैं। तो ये सरकार के अलावा इसके राज कोई नहीं जानता, और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो उनका पलतू है, वो जो भी है वो वही है। अब पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी श्रद्धा थी, मैं सुप्रीम कोर्ट के और सर झुका के हर रोज प्रार्थना करता था कि ये अब चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं जो देश को एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आशा नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले देने लगी है, मुझे लगता है कि हम इनसे आशा नहीं रखे वो आने वाले समय में अच्छा रहेगा। हालांकि मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि शायद ये पूरी फ्रेटर्निटी की इज्जत के लिए चीफ जस्टिस साहब कुछ तो अभी ऐसी बातें करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट में हमारी श्रद्धा पुनर्जीवित हो। आज वो नहीं है, आज वो हिल चुकी है, और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी ये हमारा अलायंस बना है वैसा वो अलायंस भी है, तो हमें वो अलायंस का भी ख्याल करना होगा। और जब तक ईवीएम का हल नहीं निकलता, आप कुछ भी करो, ये सब सच करेंगे, 99 वोट्स मिलेंगे अलायंस को तो भी बीजेपी वाला जीतेगा। तो ये एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम मुद्दा है। नीतीश जी आए होते तो अच्छा होता। दलित चेहरे की बात जो कही जा रही है वो भी सही है, अच्छी बात है। कुल मिला के कार्यकरों के लिए जो भी घटनाएं घटी है ये अच्छी है, और उसको राहुल जी की यात्रा को भी इससे बल मिलेगा। हालांकि मुझे वहां भी शक है कि ये यात्रा उनकी खत्म होने देंगे नहीं देंगे, वो बम्बई तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, उसमें भी मुझे अपने दिल में शक है। पर जो भी है, अभी तक जो हुआ है उसे हम, जो पॉजिटिव हुआ है उसका स्वागत करें, जो भयस्थान है उसकी चिंता करें, और कुल मिलाकर जुनून से लड़ें। दिस पार्टी मस्ट नाउ गो आउट ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया इन द सी सो दैट डजंट कम बैक अगेन। और वो तो जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब नहीं होंगे इस दिन इस पार्टी नहीं होगी, इसके 4-5 टुकड़े होंगे, एक यहाँ गिरेगा, एक वहां गिरेगा, एक वहां गिरेगा। तो ये हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हुआ है अब तक अच्छा हुआ है। एक ही वो सोने की थाली में लोहे की मेक लग गई है, वो नीतीश जी की नहीं होने से। अगर उनका भी फोटा यही कद का होता शायद अलग बात होती, मगर ये सब चीजें तो हमारे धारणा के मुताबिक नहीं होती। जी, मैं डॉक्टर जनरल व्यास आपके पास आ जाऊं, ये हम सब लोगों के टिप्स पे है, सबको ये पता है। लेकिन शीतल जी, जो एक चीज लगती है कि तीन स्टेट, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 और बिहार 40, ये 130 सीटों में इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पे सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस सीट की भरपाई कहाँ से होगी ये नहीं अभी समझ में आ रहा है। क्योंकि भाई जब राजस्थान में 25 में 25 हैं, 26 में 26 गुजरात हैं, तो वहां अब 26 में 38 तो सीटें जीत नहीं जाएंगे, तो वो जैसे होता है ना कि कवर कहाँ करेंगे, वो थोड़ा अभी एक मुश्किल प्रश्न है वो, और वही शायद उम्मीद भी है। मेरी इस क्षेत्र की ज्ञान की बहुत बड़ी मर्यादा है, और दूसरा मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सभ्य भी हूँ, इसलिए मेरे एक्सप्रेशन के ऊपर भी मर्यादाएं लगी है। मैं फिर से आपको कहूंगा कि 400 का फिगर कहाँ से आया पहले? 400 का फिगर निकला अमेरिका से, अब की बार 400 पार वो अमेरिका से निकला। उसका मतलब यह है कि ये पूरा प्लानिंग हो चुका है। आप चाहे आपको चर्चा में रखेंगे, मंदिर में रखेंगे, मस्जिद में रखेंगे, जिसमें रखना है रखेंगे। जब तक ईवीएम है तब तक ये इलेक्शन का रिजल्ट भी तय है। 400+ लेके बीजेपी अपनी विक्ट्री का परचम लहराएगी। आप अगर ये कोई ख्याल में है
ये नीतीश कुमार जी से ये हो जाएगा, खड़गे जी से ये हो जाएगा, वो मशीन जी सबका हाल ठीक कर लेगी, उन्हें कोई कतई फिक्र नहीं है आप जो भी करने वाले हैं उसे, वो अपने हाथ ही अपने रंग से। अगर नहीं तो चार शंकराचार्य की ताकत भी कोई कम नहीं है, अखाड़ों की ताकत भी कोई कम नहीं है। अभी ये नया ये चप्पन चंपत राय ने जो निकाला रामानंदी संप्रदाय को दो दो, उसमें भी इसमें गड़बड़ होनी है। सब करने के बाद भी रिजल्ट वही आएगा जो मशीन ने तय किया है। तो अगर एक ही मुद्दे पे चाहे कोई आए ना आए, चाहे आपका उम्मीदवार हो ना हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ही हमें चुनाव चाहिए, नहीं तो हमें नहीं चाहिए इस देश में चुनाव। वो तो जब तक हम उस मुद्दे पे एक नहीं होंगे, मैं नहीं मानता कि हम आशा जरूर जनरेट करेंगे। ये हमारे जो कैलकुलेशंस है, महाराष्ट्र में देखो कुछ हुआ, उनका ज्यादा दाल गिलने वाली नहीं है, थोड़ा बहुत कदर वो कर रहे। ममता जी क्या करती है वहां वेस्ट बंगाल में, इनको घुसने नहीं देगी। गुजरात में 26 है, 26 में से दो तीन जाएगी, बढ़ेगी नहीं आज की तारीख की जो परिस्थिति है उसमें। तो ये परिस्थिति में ये ऐसा नहीं है, मोदी नहीं जानते हैं कि ही इज फाइटिंग ए लूजिंग बैटल। ये इलेक्शन के तो ये दोनों माहिर हैं, एक ही पूरा दे आर फुल टाइम इलेक्शनरी एंड पार्ट टाइम पॉलिटिकल फंक्शनरीज, ही इज फुल टाइम कैंपेनर एंड पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। तो ये नहीं जानता मोदी, ये समझ के चलना, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। ईवीएम है तब तक आप नहीं जीतोगे, आप लिख लो आज की तारीख में भी रिजल्ट लिख लो। हम निराश होके उस दिन सुन रहे होंगे कि बीजेपी 400 पार कर रही है और जनता ने फिर एक बार गठबंधन को नकारा जी, ये जी, होना है जी। मैं डॉक्टर साहब, मैं दो चीजों से आपसे मतलब, मैं इसलिए क्योंकि संवाद है, मैं अपना जिस तरह से मैं देख रहा हूं उसको मैं थोड़ा उस पर बता दूं। पहली चीज, मेरे एक दर्शक ने कहा है कि डॉक्टर व्यास के लिए जैसे मेरी आंखें बड़ी हैं और मेरे, तो मुझे भी बहुत से लोग ये कहते थे कि दिन में क्या पिए रहते हो, मैंने जीवन में शराब को छुआ नहीं। आपके लिए लोग, अरे डॉक्टर व्यास ने भयंकर बीमारी से उठे हैं, इनकी हिम्मत की दाद है कि ये आके आज यहाँ बैठे हैं और अब हम लोगों से बात कर रहे हैं। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, पहली बात आप समझ लीजिए, मुझे साइटिका हुआ था, साइटिका इज द फिजिकल कंस्ट्रेंट, वो नस पकड़ी गई थी, तो आई एम आउट ऑफ इट। नहीं लोग जो आपकी एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, आपकी स्पीच में जो पहले जो आपकी स्पीच थी वो क्लैरिटी अब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, तो लोगों को लगता है कि ये दिन में इसका बहुत बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बिकॉज आई हैव जॉइंड कांग्रेस, तो ऐसा कहीं मेरे पे वो न लग जाए कि मैं कांग्रेस का प्रोपेगेंडा वैगन हूँ, इसीलिए थोड़ा आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जहाँ जो बोलना है वो तो मैं बेबाक बोलता हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए डॉक्टर साहब, इस समय नहीं बोलेंगे तो अब कब बोलेंगे।